ध्यान दें, सुपरफास्ट एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार माइती, एलजीबी ट्रेन की एसी कोच में सबका स्वागत है। दोस्तों, कोच सही ढंग से कूल नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है वो एक एक करके आप लोगों के सामने पेश करेंगे। एंड शुरू में एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पहले जानेंगे कंडीशनिंग एयर क्या है। रूम एयर टेम्परेचर जब 23 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है, संग संग एयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% एंड 60% के बीच में रहता है, तब वो एयर को कंडीशनिंग एयर कहा जाता है। एक्चुअली इस टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर से कंफर्ट ज़्यादा फील होता है। सो विंटर सीजन में एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बढ़ाना चाहिए एंड ये काम हीटर द्वारा होता है। बट समर सीजन में एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी घटाना चाहिए, ये काम कंप्रेसर मोटर, कंडेंसिंग कॉयल विथ फैन मोटर एंड एसोसिएटेड यूनिट द्वारा होता है, वह अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। ऐसा मीडियम चाहिए जो आसानी से रूम हीट खींच सकता है एंड रूम के बाहर निकल भी सकता है, उसको रेफ्रिजरेंट कहा जाता है, जिसके कारण रूम एयर टेम्परेचर घट जाता है। ये बेसिक काम सक्सेसफुली करने के लिए चाहिए नंबर 1 कंप्रेसर, नंबर 2 कंडेंसिंग कॉयल, नंबर 3 लिक्विड रिसीवर, नंबर 4 ड्रायर, नंबर 5 कैपिलरी ट्यूब, नंबर 6 इवापोरेटर और कूलिंग कॉयल, नंबर 7 एक्यूमुलेटर। ये सभी आइटम कॉपर ट्यूब द्वारा सीरीज में कनेक्टेड है एंड ट्यूब के अंदर है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट कंप्रेशन के लिए चाहिए कंप्रेसर मोटर एंड रेफ्रिजरेंट कंडेंसेशन के लिए चाहिए फैन मोटर। दोस्तों, रेफ्रिजरेंट गैस प्रेशर एंड टेम्परेचर एम्बिएंट प्रेशर एंड टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए एंड ये काम कंप्रेसर मोटर द्वारा होता है। कंडेंसिंग कॉयल में ये हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण रेफ्रिजरेंट इजीली हीट छोड़ के लिक्विड होता है। लिक्विड रिसीवर द्वारा लिक्विड ड्रायर में आता है एंड यहाँ वाटर पार्टिकल रिमूव होता है। कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड रेफ्रिजरेंट प्रेशर ड्रॉप होता है, जिसके कारण एवेपोरेशन रेट ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। बट एवेपोरेशन के लिए चाहिए लेटेंट हीट, रूम हीट से ये संभव होता है। ब्लोअर मोटर द्वारा रूम के अंदर हीटेड एयर एवेपोरेटर और कूलिंग कॉयल के पास आता है। रेफ्रिजरेंट ये हीट लेके फिर गैसियस स्टेट में पहुंच जाता है, फाइनली थ्रू एक्यूमुलेटर ये कंप्रेसर में रिटर्न होता है। कंडेंसिंग कॉयल द्वारा रूम हीट बाहर निकल जाता है, संग संग रेफ्रिजरेंट हीट छोड़ के लिक्विड हो जाता है। ऐसे चलते रहता है कंडीशनिंग टेम्परेचर तक। एवेपोरेटर और कूलिंग कॉयल द्वारा रूम हीट रिसीव होता है,
एंड कंडेंसिंग कॉइल द्वारा ये हीट रिमूव होता है। इसीलिए एवापोरेटर और कूलिंग कॉइल रूम के अंदर रहता है एंड कंडेंसिंग कॉइल रूम के बाहर रहता है। एक एसी यूनिट द्वारा एक घंटा में ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट रूम के बाहर निकल जाता है एंड ओ हीट से यूनिट की कैपेसिटी मेजरिंग होता है। 3000 किलो कैलोरी हीट एक घंटा में एक टन एसी यूनिट द्वारा रूम के बाहर निकल जाता है। एयर कंडीशनिंग कोच के अंदर पैसेंजर फुल है सो एक घंटा में 42,000 किलो कैलोरी हीट कोच से निकल जाने के कारण इनसाइड एयर कंडीशनिंग होता है एंड ये संभव होता है 14 टन एसी यूनिट द्वारा। दोस्तों कोच की दो एंड में दो दो करके टोटल 4 नंबर यूनिट रहता है। हर यूनिट में है 5.5 किलोवाट 415 वोल्ट 3 फेज कंप्रेसर मोटर, 1 एचपी 415 वोल्ट कंडेंसर फैन मोटर एंड हर एंड में है 1.5 एचपी 415 वोल्ट 3 फेज ब्लोअर मोटर। सो कोच में टोटल 4 नंबर कंप्रेसर मोटर, 4 नंबर कंडेंसर फैन मोटर एंड 2 ब्लोअर मोटर रहता है। विंटर सीजन में एयर कंडीशनिंग यूनिट है हीटर। एनपीपी एन तरफ है हीटर 1 एंड पीपी एन तरफ है हीटर 2। नाउ एक्चुअल लोकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग कंपोनेंट्स ऑन द रूफ। ये है टॉप व्यू ऑफ एलएचबी एसी पैसेंजर कोच एंड ये है टॉप व्यू ऑफ 750 वोल्ट पावर पैनल एंड इसकी एक्चुअल लोकेशन है अंडर रूफ। सो पावर पैनल कोच में जिस एंड तरफ है वो है पीपी और लोकेशन 2। दूसरा एंड है एनपीपी और लोकेशन 1। ली मेकिंग कोच में सीपी 2.1 पावर पैनल तरफ एंड सीपी 1.1 पावर पैनल की ऑपोजिट साइड पर रहता है। बट शेड्यूल मेकिंग कोच में सीपी 2.2 पावर पैनल तरफ एंड सीपी 1.2 पावर पैनल की ऑपोजिट साइड पर रहता है। सभी कोच में 2 नंबर कंडेंसर फैन मोटर, सीडी 1.2 एंड सीडी 2.2 कोच की बाहर तरफ रहता है।
ये सभी कंपोनेंट इलेक्ट्रिकली कैसे कनेक्टेड रहता है वो अभी देखेंगे। कोच की एनपीपी एंड तरफ थ्री फेज ब्लोअर मोटर, रूफ टर्मिनल, पैनल टर्मिनल, K26 थ्री पोल 415 वोल्ट पावर कॉन्ट्रैक्टर, ओवरलोड रिले कम MCB द्वारा K44 कॉन्ट्रैक्टर की आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली AC यूनिट 1 में थ्री फेज कंडेंसर फैन मोटर CD 1.1, रूफ टर्मिनल, पैनल टर्मिनल, थ्री पोल पावर कॉन्ट्रैक्टर K31 एंड ओवरलोड कम MCB द्वारा K44 कॉन्ट्रैक्टर के साथ कनेक्टेड है। थ्री फेज कंप्रेसर मोटर CP1.1, रूफ टर्मिनल, पैनल टर्मिनल, थ्री पोल पावर कॉन्ट्रैक्टर K33 एंड ओवरलोड कम MCB द्वारा K44 के साथ कनेक्टेड है। AC यूनिट 2 में थ्री फेज कंडेंसर फैन मोटर CD 1.2, रूफ टर्मिनल, पैनल टर्मिनल, थ्री पोल पावर कॉन्ट्रैक्टर K32 एंड ओवरलोड कम MCB द्वारा K44 के साथ कनेक्टेड है। थ्री फेज कंप्रेसर मोटर CP1.2, रूफ टर्मिनल, पैनल टर्मिनल, थ्री पोल पावर कॉन्ट्रैक्टर K34 एंड MCB कम ओवरलोड रिले द्वारा K44 के साथ कनेक्टेड है। कोच की PPN तरफ थ्री फेज ब्लोअर मोटर, रूफ टर्मिनल, पैनल टर्मिनल, थ्री पोल 415 वोल्ट पावर कॉन्ट्रैक्टर K28 एंड ओवरलोड कम MCB द्वारा K44 कॉन्ट्रैक्टर के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली AC यूनिट 3 में थ्री फेज कंडेंसर फैन मोटर CD 2.1, रूफ टर्मिनल, पैनल टर्मिनल एंड थ्री पोल 415 वोल्ट पावर कॉन्ट्रैक्टर K36 ओवरलोड कम MCB द्वारा K44 कॉन्ट्रैक्टर के साथ कनेक्टेड है। थ्री फेज कंप्रेसर मोटर CP 2.1, रूफ टर्मिनल, पैनल टर्मिनल, थ्री पोल 415 वोल्ट कॉन्ट्रैक्टर K38 एंड MCB कम ओवरलोड रिले द्वारा K44 कॉन्ट्रैक्टर के साथ कनेक्टेड है। AC यूनिट 4 में कंडेंसर फैन मोटर CD 2.2, रूफ टर्मिनल, पैनल टर्मिनल, थ्री पोल 415 वोल्ट पावर कॉन्ट्रैक्टर K37 ओवरलोड कम MCB द्वारा K44 के साथ कनेक्टेड है। कंप्रेसर मोटर CP 2.2, रूफ टर्मिनल, पैनल टर्मिनल, थ्री पोल 415 वोल्ट पावर कॉन्ट्रैक्टर K39 एंड ओवरलोड कम MCB द्वारा K44 के साथ कनेक्टेड है। NPPN तरफ थ्री फेज हीटर, रूफ टर्मिनल, पैनल टर्मिनल एंड थ्री पोल 415 वोल्ट पावर कॉन्ट्रैक्टर K35 एंड थ्री पोल MCB द्वारा K44 के साथ कनेक्टेड है।
सिमिलरली पीपीएन तरफ थ्री फेज हीटर, रूफ टर्मिनल, पैनल टर्मिनल, थ्री पोल 415 वोल्ट पावर कॉन्टैक्टर K40 एंड थ्री पोल MCB द्वारा K44 के साथ कनेक्टेड है। एयर कंडीशनिंग नेटवर्क में जो ट्रैवल आता है, अभी एक एक करके वो चर्चा करेंगे एंड सॉल्यूशन भी करेंगे। ट्रैवल नंबर 1, कंडेंसर फैन मोटर नेटवर्क में MCB कम ओवरलोड रिले ट्रिप हो रहा है। स्टेप 1, ऑफ कंडीशन में रेस्पेक्टिव कंटेक्टर की आउटपुट टर्मिनल से तीनों फेजर के बीच में कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। RY, YB and RB के बीच में कंटिन्यूटी मिल रहा है, सो स्टेप 2, तीनों फेज वायर मोटो टर्मिनल से ओपन करके हर दो फेज वायर के बीच में शॉर्ट सर्किट है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। नहीं है, सो स्टेप 3, मोटर इटसेल्फ अर्थ है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। नहीं है, सो स्टेप 4, थ्री फेज नेटवर्क में अर्थ है कि नहीं चेक करना है। नहीं है, सो स्टेप 5, फैन ब्लेड घुमा के देखना पड़ेगा मोटर जैम है कि नहीं। जैम है, सो मोटर रिप्लेस करना पड़ेगा। ट्रबल नंबर 2, ब्लोअर मोटर नेटवर्क में MCB कम ओवरलोड रिले ट्रिप हो रहा है। स्टेप 1, ऑफ कंडीशन में सिंगल फेजिंग चेक करना पड़ेगा। सिंगल फेजिंग नहीं है, सो स्टेप 2, ब्लोअर मोटर टर्मिनल से तीनों फेज वायर रिमूव करके नेटवर्क इटसेल्फ शॉर्ट सर्किट है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। शॉर्ट सर्किट नहीं है, सो स्टेप 3, मोटर इटसेल्फ अर्थ है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। अर्थ नहीं है, सो स्टेप 4, नेटवर्क इटसेल्फ अर्थ है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा। अर्थ नहीं है, सो स्टेप 5, मैन्युअली रनर की मूवमेंट चेक करना पड़ेगा। मूवमेंट बैलेंस है, सो स्टेप 6, रनर की फिक्सिंग बोल्ट टाइटनेस चेक करना पड़ेगा। टाइट है, सो स्टेप 7, मोटर इटसेल्फ एबनॉर्मल गर्म है कि नहीं चेक करना है। एबनॉर्मल गर्म है, सो मोटर डिफेक्टिव है, ओ रिप्लेस करना पड़ेगा। ट्रबल नंबर 3, कंप्रेसर मोटर नॉर्मल करंट ले रहा है बट सही ढंग से कूल नहीं हो रहा है। स्टेप 1, कंडेंसर फैन मोटर की रोटेशन सही है कि नहीं चेक करना है। ऐसे हवा ऊपर फेंक रहा है, मतलब रोटेशन सही है। सो स्टेप 2, रिटर्न एयर फिल्टर चेक करना है वो क्लीन है कि नहीं। स्टेप 3, फ्रेश एयर फिल्टर चेक करना है। दोनों सही है, सो स्टेप 4, कंडेंसिंग कॉयल क्लीन करना पड़ेगा।
तब भी ठंडा नहीं हो रहा है। सो स्टेप 5, एयर डक्ट एंट्रेंस कैनवास लीकेज है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। ट्रबल नंबर 4, एम्बिएंट टेम्परेचर ज्यादा है उसी हिसाब से कंप्रेसर मोटर 8.5 एम्पियर करंट लेना चाहिए, बट 7.5 एम्पियर से कम करंट ले रहा है। स्टेप 1, सिस्टम में कोई लीकेज है कि नहीं पहले चेक करना है। पॉसिबल लीकेज पॉइंट है एचपी कट आउट, वो चेक करना है। कोई लीकेज नहीं है, सो स्टेप 2, रेफ्रिजरेंट चार्जिंग वाल्व लूज है कि नहीं चेक करना है। लूज नहीं है, सो स्टेप 3, सक्शन लाइन में चार्जिंग वाल्व ओपन करके रेफ्रिजरेंट सक्शन प्रेशर चेक करना है। 65 psi से कम मिल रहा है, सो स्टेप 4, रेफ्रिजरेंट चार्ज करना है। पहले सक्शन लाइन में चार्जिंग वाल्व के साथ फुल ऑफ रेफ्रिजरेंट सिलेंडर कनेक्ट करना है, चार्जिंग वाल्व ओपन करना है, कंप्रेसर एंड कंडेंसर फैन चालू करना है, सिलेंडर वाल्व ओपन करना है, टोंग टेस्टर द्वारा कंप्रेसर मोटर करंट चेक करना है। कंप्रेसर मोटर करंट जब 8.5 एम्पियर में पहुंचता है तब सिलेंडर वाल्व क्लोज करना है। ट्रबल नंबर 5, कंप्रेसर मोटर कॉन्टैक्टर ऑन है बट कंप्रेसर मोटर करंट नहीं ले रहा है। कॉन्टैक्टर इनपुट में 415 वोल्ट एसी पावर अवेलेबल होने के बाद भी कारण एक ही है, इनर ओवरलोड रिले द्वारा कंप्रेसर मोटर बंद हो गया। स्टेप 1, रेस्पेक्टिव कंडेंसर फैन मोटर चालू है कि नहीं चेक करना है टोंग टेस्टर द्वारा। चालू है, सो स्टेप 2, कंडेंसिंग कॉइल को फोर्सफुली ठंडा करना पड़ेगा वाटर स्प्रे करके। स्टेप 3, सिस्टम में रेफ्रिजरेंट के साथ ज्यादा लूब ऑयल मिक्स्ड है कि नहीं चेक करना है चार्जिंग वाल्व ओपन करके। स्टेप 4, कंप्रेसर सक्शन प्रेशर चेक करना पड़ेगा। नॉर्मल एयर टेम्परेचर में 65 psi से ज्यादा है तो थोड़ा बहुत रेफ्रिजरेंट सिस्टम से रिमूव करना पड़ेगा चार्जिंग वाल्व ओपन करके। स्टेप 5, तब भी कंप्रेसर की इनर ओवरलोड रिले ट्रिप हो रहा है तो कंप्रेसर यूनिट रिप्लेस करना पड़ेगा। ट्रबल नंबर 6, 4 एसी यूनिट मैन्युअली ऑन है तब भी कोच गर्म है। ओवर कंडेंसेशन के कारण कूलिंग कॉइल में आइस फॉर्मेशन हो गया, इससे एयर सर्कुलेशन रुक जाता है एंड कोच गर्म होता है। स्टेप 1, सभी कंप्रेसर मोटर एंड कंडेंसर फैन मोटर बंद करना चाहिए। स्टेप 2, दोनों साइड से हीटर मैन्युअली ऑन करके आइस मेल करना पड़ेगा। स्टेप 3, हीटर बंद करके दोनों एंड से एक एक करके कंडेंसर फैन मोटर एंड कंप्रेसर मोटर चालू करना पड़ेगा। ट्रबल नंबर 7, विंटर सीजन में कोच इनसाइड एयर टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है तब भी हीटर नहीं पकड़ रहा है। रेस्पेक्टिव हीटर की ओएचपी आउटपुट वायर माइक्रोप्रोसेसर से रिमूव करके
एचटीआर 110 वोल्ट डीसी आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा एंड रेस्पेक्टिव K40 कॉन्टैक्टर क्लोज होना चाहिए, बट यहाँ क्लोज नहीं हो रहा है, मतलब OHP खराब है, वो रिप्लेस करना पड़ेगा। Wish you all the best for your happy and comfortable journey. मैं इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूँ। मेरे वीडियो आपको पसंद आया हो कृपया लाइक बटन प्रेस करें। अगला वीडियो में दूसरा सब्जेक्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक खुश रहिए एंड चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।